सिवान शहर में कोरोना से संक्रमित मरीज मिलने के बाद आज जिला प्रशासन एक्शन में आया। बता दें कि ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अब शहर में भी कोरोना मरीजों की संख्या 9 हो गई है, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच गई है। हम आपको यह तस्वीरें सिवान शहर से दिखा रहे हैं, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा मास्क के प्रयोग और सामाजिक दूरी के अनुपालन, साथ ही साथ दुकानों और अन्य कई जगहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला प्रशासन को कड़ा रुख भी अपनाना पड़ा। हम आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं, जहां पर SDM, SDPO, BDO, MBI मौजूद हैं और सभी गाड़ियों की जाँच की जा रही है। वही जो लोग मास्क नहीं पहने हैं उनको मास्क देकर जिला प्रशासन के द्वारा उनको कड़ी हिदायत दी जा रही है। अब तस्वीरों में देखिए, जिला प्रशासन का काफिला निकल चुका है शहर के अलग अलग सड़कों में, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जिला प्रशासन के द्वारा सभी सड़कों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क पहनने का कड़ी हिदायत दी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग बिना मास्क लगाए सड़क पर घूम रहे थे, बेधड़क होकर के सड़कों पर निकल रहे थे, बिना वजह सड़कों पर घूम रहे थे, उसको लेकर के आज जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है। हम आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ ये DAV कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी हैं जो कि बिना मास्क की खड़ी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर जिला प्रशासन के द्वारा उन लोगों को मास्क दिया जा रहा है ताकि इस बीमारी से हम लोग जीत सकें। और आपको बता दें कि बीते 2 दिनों पहले पति पत्नी को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद आज 7 मरीज शहर से फिर मिले हैं, उसके बावजूद भी लोगों में थोड़ा सा भी डर नहीं है। अब तस्वीरों में देखिए, एक एक बाइक पे तीन तीन लोग सवार होकर जा रहे हैं। जिला प्रशासन एक्शन में आया, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। अब देखिए तस्वीरों में इन 2 युवक को जिला प्रशासन के द्वारा मास्क दिया जा रहा है। ये बिना मास्क के बेधड़क हो करके घूम रहे थे। इनको ये भी पता है कि शहर में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, इसके बावजूद भी लोगों में थोड़ा सा भी डर नहीं है। यही वजह है कि लोग एक दूसरे में दूसरे का सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं और मास्क लगा कर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बिना मास्क का ही निकल जा रहे हैं। इसी को लेकर के आज सिवान के DM अमित कुमार पांडे के द्वारा ये कड़ा निर्देश दिया गया कि ज़िले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए और लोगों को यह कड़ा निर्देश दिया जाए ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके और जो शहर में मरीज मिले हुए हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो, कंट्रोल हो जाए। इसको लेकर के आज जिला प्रशासन सड़कों पर निकला हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए, हम आपको ये शहर के आदित्य विजन के समीप की दिखा रहे हैं, मखदुमसराय मोड़ के पास की, जहां पर पूरा जिला प्रशासन की टीम सड़कों पर उतरी है और विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, सभी को देखा जा रहा है, जो चालक गाड़ी चला रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है कि ये मास्क लगा करके गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या नहीं। मास्क का कुछ लोग ऐसे थे कि मास्क प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, आदतन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अभियान चलाया गया है ताकि लोग मास्क का यूज करें। जो भी प्रतिष्ठान है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें लोग, इसलिए हम लोगों ने ये सर लगातार चलेगा या अगली 2-3 दिन लगातार चलेगा।
Thank you.